राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। खबरों के ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कोतवाली थाना की कार्यशैली से प्रभावित लकड़ीटाल मालिक ने अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त लकड़ियां देने की घोषणा की। सागर में कोरोना काल में मदद के नए नए रूप देखने मिल रहे हैं। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र की सजगता और सख्ती में भीड़ भाड़ नियंत्रित करने और थाना प्रभारी नवल आर्य की मानवीयता देखकर एक लकड़ी टाल मालिक ने कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त में लकड़ियां देने की घोषणा की है। टाल मालिक सरदार नरेंद्र सिंह अजवानी ने अनुसार थाना प्रभारी जी के लिए अपनी मंजूरी देंगे, उनको लकड़ियां उपलब्ध भी कराएं। कोरोना काल में सबसे घने बस्ती वाले क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है। इसका श्रेय कोतवाली थाना पुलिस के 8 कार्यशैली को जाता है। थाना प्रभारी नवर आर्य क्षेत्र में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे और मास्क लगाने का संकल्प भी दिलाते हैं। वहीं लोगों को राशन आदि भी उपलब्ध कराते हैं। इसी से प्रभावित होकर लोग कोरोना काल में थाने के जरिए मदद के लिए सामने आ रहे हैं। ये आपको विदित है, अपने जिले के अंदर कोरोना कर्फ्यू जब लागू किया गया तो उस समय हम सबके द्वारा, हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आदेशित करने पर एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सिटी उनके निर्देशन में लगातार कार्रवाइयाँ शहर के सभी थानों में, जिले के सभी थानों में की जा रही हैं। कोतवाली में इस तारतम्य में खुली जेल में आज दिनांक तक हमारे द्वारा 960 व्यक्तियों को जो सड़कों पर बेवजह घूमते पाए गए भेजा गया है। साथ ही ऐसे व्यक्ति या ऐसे दुकानदार प्रतिष्ठान जिन्होंने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर 72 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें अनावेदकों की संख्या 315 है। साथ ही हमारे द्वारा नोटिस भी दिए जा रहे हैं उन व्यक्तियों को जो कोई फर्जी कारण आदि बताते हुए सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे 853 व्यक्तियों को हमारे द्वारा नोटिस दिया गया, उनमें 650 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107-116-3 CRPC के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही 1191 व्यक्तियों के विरुद्ध इसी सीमा में बिना मास्क की भी कार्रवाई की गई है। जैसा कि आपने पूछा कि जो कार्रवाई की गई है, सख्ती की गई है, उसका परिणाम ये है कि विगत 7 दिवस में जहां जिले में 1069 कोरोना संक्रमित व्यक्ति की संख्या पाई गई है, इसमें कोतवाली क्षेत्र से मात्र 20 व्यक्ति हैं जो संक्रमित हैं। सर, जैसे कि आप अपने राउंड ऑफ निकलते हैं तो जनता में खुशी का माहौल आता है, बच्चे आपको निकल के जय हिंद जय भारत बोलते हैं, इसमें आपको कैसा लगता है सर, क्या संदेश है? बच्चे हों बुजुर्ग हों, जब जय हिंद का नारा हमारे कानों में गूंजता है तो उसकी खुशी को, उसके उत्साह को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा से हम सभी भर जाते हैं। अवसाद का समय है, आपदा का समय है, ऐसे समय अगर हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी हम सबको जय हिंद के नारे से उत्साहित करते हैं, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है।